हाँ, लालू जी रहे, नीतीश जी रहे, उनसे हम लोग को कोई लेना, हम लोग जैसे भी रहें फ्रीडम के साथ रहें। पता है कि नहीं, आप लोग बोल रहे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, तेजस्वी यादव को जानती नहीं है, लेकिन ये पता है कि आपको तेजस्वी यादव की शादी होगी? शादी हो चुकी है, हाँ पता है। तो कभी मिलने की ख्वाहिश है तेजस्वी यादव? मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिराग में कुछ नहीं? अच्छा, आपको तेजस्वी या चिराग में कोई नहीं। जीवन में कभी मिल जाए तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप लोगों के नरेंद्र मोदी ही हैं? हाँ हाँ, उनसे मिल सकते हैं, ऑफ कोर्स मिलना चाहेंगे। बीजेपी वाले अगर ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी सरकार मुझे अच्छी लगती है। नमस्कार, मैं हूँ देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। होली का मौका है और इस वक्त हम पटना जू गेट नंबर 2 के अपोजिट साइड चाट की दुकान पे मौजूद है, जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ जो हैं वो चाट खाने आई हैं, और हम इस बार जानेंगे कि इस होली में क्या कुछ करने वाली हैं, क्या करने वाली हैं इस होली में, क्योंकि पूरी मस्ती दिख रही है आप लोगों की। देखिए, मस्ती तो हुई है लेकिन हमारी, लेकिन आगे भी अभी होने वाली है, चूँकि होली शायद 2 दिन अभी है, तो हमारे ग्रुप हमारे मिलके जो, क्योंकि कोरोना के बाद एक पहली बार लगा कि जैसे खुल के जीने को मिल रहा है, कोई सेलिब्रेट नहीं किया हम लोग कोई भी फेस्टिवल, इस बार अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इस बार अच्छे से होली सेलिब्रेट करनी है आप लोग? हाँ, इस बार तो करनी है बहुत अच्छे से, और आज हम लोग इंस्टीट्यूट में BLCC इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेट किए हैं, और आती हैं आप लोग BLCC इंस्टीट्यूट में? अच्छा, आप लोगों ने मतलब कॉलेज में ही सेलिब्रेट किया? कॉलेज नहीं, इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट है, एक तरह से स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो वहाँ पर हम कॉस्मेटोलॉजी के बारे में उससे रिलेटेड सब चीज़ पढ़ते हैं, जानते हैं। मेकअप आर्टिस्ट हैं बेसिकली? सारे क्लासमेट हैं, एक ही क्लास के हैं, और हमारी छुट्टी हुई है, और हम लोग अभी यहाँ पे मस्ती के तौर पे आए, क्योंकि आज हम लोग का होली सेलिब्रेशन था और वो हो चुका, तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे हंसते खेलते यहाँ पे जो भी हम लोग खाएँगे, थोड़ा आइसक्रीम लेंगे, चाट खाएँगे, अपने अपने घर चले जाएँगे, फिर अब होली के दिन ऐसा कुछ करने का प्लानिंग होगा तो करेंगे। होली के दिन ऐसा प्लान है कि आप लोग एक साथ मिलिएगा या मिलोगे? कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर दिन एक साथ मिले, और हमारी शायद हर दिन ये होती है, आज यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मस्ती हम लोग जिंदगी जीना चाहते जीते ही हैं, वो उसमें कोई नहीं रोक सकते हैं, और पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि लाइफ छोटा है तो खेलो कूदो अच्छे से रहो हंसते रहो। ये बताइए कि 2-3 सालों में और इस होली में कोई फ़र्क दिख रहा है रोड पे या अब मार्केट प्लेसेस में? काफ़ी है, सबसे पहले तो सब जगह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम लग रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है, और एनर्जी नहीं है, हाँ उतनी अच्छी वाइब नहीं आ रही है इस बार, बट ठीक है, हम लोग आपस में फ्रेंड है तो वैसा वाइब इंजॉय कर ले रहे हैं, लेकिन होप सब कोई कर सके। शाम ढलने को है, ठीक है, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, क्यों डर? ऑफकोर्स हम लोग इतने ग्रुप में, हमें क्यों डर लगे? तो ग्रुप है तो क्यों डरे? कोई डर नहीं लगता पटना में, डर नहीं लगता? आप लोग होली के दिन भी बेधड़क निकल सकती हैं रोड पे? हाँ हाँ, निकल सकती है, परले के साथ रहते हैं ना, निकलने का क्यों नहीं निकलेंगे, पर मेन है कि होली वाले दिन फैमिली के साथ रहते हैं। ये बताइए, आप क्यों चुप चुप सी हैं? चाट पसंद नहीं आई क्या आपको यहाँ की? मुझे ऐसा लग रहा है कि चाट पसंद नहीं आई आप। बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, मूड ऑफ हो गया मेरा। और जहाँ तक हम बोलने वाले हैं कि आपने अभी भी पूछा कि इतने रात हो गए हैं और यहाँ पे आप लोग हो, डर नहीं लग रहा है, तो ये हमें को लगता है कि बेस्ट एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैफिक पुलिस और अच्छी अच्छी यहाँ पे लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, तो फिर वो मेरे लिए बेस्ट है। मतलब और पटना की सबसे बेखौफ जगह है ये? ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे है, बट अभी पहले पिछले कई सालों से लेके अब लग रहा है कि लड़कियाँ सेफ है थोड़ा बहुत, पहले से जितना पहले सेफ नहीं होती थी अब सेफ है। अब सेफ है पटना में लड़कियाँ सेफ है, आप फील करते हो ये? हाँ, अब तो फील करती हूँ, अब भी तो मतलब शाम के टाइम मतलब हम लोग निकल गए हैं, पर लेकिन इतना भी डर नहीं लग रहा है। से आती हैं और ये गोला रोड से आती हैं, तो काफ़ी दूर दूर से हम लोग आते हैं, बट हमारी ऐसी सर्कल है कि हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, और हम लोग शायद प्लेसमेंट भी एक ही जगह पे हो, होप सो, तो हम लोग बहुत सारा मजा रही थी कि आप लोग शायद मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही है, तो आप लोगों ने चेहरे पे रंग लगा लिया, अभी लगा, इससे कोई चेहरे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? ऑर्गेनिक है। मतलब होली भी आप लोगों ने ऑर्गेनिक बना ली? अब मेकअप आर्टिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है अपना स्किन का तो केयर करते हुए ही चलेंगे ना, अब कलर लगाएं कुछ भी तो नहीं लगा सकते ना, तो थोड़ा नॉलेज है तो ऑर्गेनिक से मनाया हमने होली। अच्छा,
अच्छा ये बताइए कि राजनीति में दिलचस्पी है, कुछ जानती हैं बिहार की पॉलिटिक्स? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एनीथिंग? नाम जानते हैं तो आपके पास? जानती हैं बिहार के मुख्यमंत्री को तो जानती होंगी? सब कोई जानते हैं, बट कोई इंटरेस्ट नहीं राजनीति में, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी के खिलाफ ना बोलना है और ना किसी को सपोर्ट करना है। हमें बस अच्छा अपना इन्वायरमेंट चाहिए, हम लोग आज़ादी से जिए, जो भी रहे हैं हाँ लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, उनसे हम लोग को कोई लेना, हम लोग जैसे भी रहें फ्रीडम के साथ रहें, अपनी जो होता है इज्जत और प्रतिष्ठा से हम लोग आगे बढ़े, अपनी मतलब एक वुमेन पावर हो सबके पास, कि ये नहीं होना चाहिए कि लेडीज है गर्ल्स से निकल गए तो कोई भी प्रॉब्लम हो जा रही है। एक समय था जंगल राज था, लेकिन अब नहीं है। अब तेजस्वी यादव को कितना जानती हैं? मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, बस नाम से जानती हूँ कि ये पता है आपको उनकी शादी हो गई है? हाँ ये भी पता है, ये भी पता है कि नहीं? आप लोग बोल रहे हैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, तेजस्वी यादव को जानते नहीं है, लेकिन ये पता है कि आपको तेजस्वी यादव की शादी हो गई? शादी हो चुकी है, हाँ पता है। तो कभी मिलने की ख्वाहिश है तेजस्वी यादव? मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है चिराग में, कुछ नहीं। अच्छा आपको तेजस्वी या चिराग में कोई नहीं? जीवन में कभी मिल जाए तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, आप लोगों की नरेंद्र मोदी ही हैं? हाँ हाँ, उनसे मिल सकते हैं, ऑफ कोर्स मिलना चाहेंगे। बीजेपी वाले अगर ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी सरकार मुझे अच्छी लगती है, प्राउड फील होता है उनको देख के, उनको सुन के लगता है कि हम लोग कहीं खड़े हैं तो वही होते हैं, हमारे देश में भी उन्हीं का कुछ होता, और जो है जैसे बाकी सब ठीक है, लेकिन और बेस्ट और भी अच्छा हो सकता है। बीजेपी वाले अगर ये वीडियो देखेंगे तो खूब शेयर कर देंगे कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं, उनको हम लोग क्या बोलें, हम लोग देखिए बहुत बचपन में मेरी पढ़ाई उनके वजह से छूट गई, हमारे पिताजी स्कूल नहीं भेजते थे कि जंगल राज है, एयरपोर्ट में तुम रहते हो, सेफ नहीं हो, पढ़ नहीं पाए, आज हम अभी तक पढ़ रहे हैं, कभी स्किन क्लास कर रहे हैं, तो ये सब उन्हीं की देन है, नहीं तो हम भी पढ़ के कहीं कुछ कर रहे होते। शौक बहुत था पढ़ने का, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, क्या था यहाँ पटना में, हम बाहर नहीं निकल सकते तो पढ़ने कैसे जाएंगे। जो सच है उनकी गलती नहीं है, पर उन्होंने संभाल नहीं पाए वो बिहार को, उनकी गलती नहीं है, पर उनके लोग जो है नहीं संभाल पाए। अब हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, बताइए 9 साल के बच्चे हमारे, वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारी कुछ नहीं है, लाइफ बर्बाद है। अच्छा आपको किसने बताया कि लालू जी का शासन अच्छा नहीं था? आप तो उस समय बहुत छोटी हो रही होंगी। तो मतलब सबके सबसे सुनती हूँ, हाँ सबसे सुनती हूँ। चलिए चार खा रही हैं लड़कियाँ और हमने इनसे बातचीत की, कई मुद्दे पे बात की, होली को लेकर भी बात की, इस बार कैसे मनाने वाली हैं क्योंकि कोविड के बाद ये पहला होली है, साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार होली पर खूब धूम मचाना है, और सबसे दिलचस्प कि हमने जब पूछा कि तेजस्वी यादव को जानती हैं तो ऐसे रिएक्शन फेशियल एक्सप्रेशन था कि शायद जानती ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने की ख्वाहिश सभी लड़कियां कर रही हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।